नमस्कार और फिर से स्वागत है आपका राग परिचय में। आज हम देखने जा रहे हैं राग जोग कांस। करीबन 1 साल पहले जब मैंने राग जोग का परिचय कराया था तो उसमें राग जोग कांस की बात हुई थी। आज हम जोग कांस को थोड़ा ज़्यादा विस्तार में देखेंगे और चंद्रकंस के नज़रिए से देखेंगे। जोगकंस जो है, चंद्रकंस और जोग दो रागों का मिश्रण है। तो आज देखते हैं राग जोगकंस। अभी कुछ ही दिन पहले हमने राग चंद्रकंस देखा था। कौन सा अंक का राग है? अभी तानपुरे में पंचम लगा है, लेकिन चंद्रकौश में पंचम नहीं होने के कारण तानपुरे में मध्यम लगा रहता है। लेकिन जो सुर है और जोग क्या है, जोग में शुद्ध निषाद नहीं है। जोग में केवल कोमल निषाद है और दोनों गंधार का प्रयोग हो रहा है और पंचम भी है। लेकिन जोग में भी कंस अंग दिखाई देता है, जैसे सा ग नि सा। ये जो गंधार है मध्यम को लेकर आ रहा है कंस अंग की तरह। अब जब जोग और चंद्र कंस मिलेंगे तो जैसे मैंने पहले कहा, पहला तो फर्क यह होगा कि तानपुरा पंचम में लगेगा, मध्यम में नहीं, क्योंकि इसमें पंचम है। और फिर चंद्रकंस का ही पाठ है। अभी तक चंद्रकंस का ही पाठ चल रहा है। अब हम जोग में जा रहे हैं, लेकिन बजाय कोमल निषाद के शुद्ध निषाद लेकर चल रहे हैं। नी शुद्ध निषाद है, नी सा क शुद्ध गंधार आ गया जोग के लिए। देखिए कैसे दोनों घुल मिल रहे हैं। जोग है चंद्रकोश में चले गए, आगे चलेंगे तो फिर चंद्रकोश लेकर निकलेंगे। लेकिन इसमें फिर पंचम आएगा जोग का। ये है चंद्रकोश का पाठ, लेकिन ये निकल रहा है शुद्ध गंधार से।
गंधार पर अगर रुकते हैं तो थोड़ा सा इसमें हमें भैरव का आभास होने लगता है। जोकस में हम मध्यम की तरफ जा रहे हैं। और फिर कोमल निषाद का प्रयोग बहुत ही अद्भुत तरीके से हो रहा है। बहुत अद्भुत तरीके से कोमल निषाद से निकल रहे हैं। बहुत सुंदर तरीके से दोनों राग एक दूसरे में घुल मिल जा रहे हैं और उसमें जो कोमल निषाद है बहुत अद्भुत तरीके से जोक की तरह नहीं आ रहा है, अपना एक खुद का रंग लेके आ रहा है। तो पूरा जोक कंस देखते हैं, पूरा विस्तार।
बंदिश सुनते हैं, जोकोस में बहुत ही प्यारी, बहुत प्रचलित बंदिश है, पीढ़ पर आई।